नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और इस खास वीडियो में हम सभी को हम बताने वाले हैं कि पावर स्टार पवन सिंह की सबसे चर्चित फिल्म और उस मूवी का नाम है बॉस, जिस फिल्म का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। जब फ्रेंड्स बॉस मूवी की हम बात कर रहे हैं और इस फिल्म को 3 अप्रैल को आप सभी के नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज करना था, अब तक इस फिल्म का ट्रेलर भी आ जाना था। एक बार फिर से बॉस मूवी में बदलाव कर दिया गया है। और क्या कुछ बदलाव हुआ इस मूवी में, कब तक ये मूवी आ सकती है आप सभी के बीच, इस खास वीडियो में सभी को बताने वाले हैं। तो अभी हाल ही में इस मूवी के प्रोड्यूसर देव राय जी ने सोशल मीडिया पर आके ये दावा किया था कि बॉस मूवी को एक साथ पूरे इंडिया में 3 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। कोई तो मार्च के लास्ट वीक तक इस मूवी के ट्रेलर को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इस समय पूरा देश, पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रहा है जिसका नाम है कोरोना वायरस। जैसे फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि पूरे हिंदुस्तान में समय खौफ का माहौल है और कर्फ्यू लगा दिया गया है और लगभग 15 अप्रैल तक पूरे भारत को बंद करने का ऐलान किया गया है। तो इसी बीच इस मूवी की रिलीज डेट को बढ़ा दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आप सभी के बीच ये मूवी अब मई के महीने में रिलीज होगी। जय फ्रेंड्स, मई के महीने में पहले सप्ताह में आप सभी के बीच बॉस मूवी को रिलीज किया जाएगा। तो अप्रैल के लास्ट वीक तक आप सभी के बीच यानी लगभग 25 अप्रैल के आसपास बॉस मूवी के ट्रेलर को लॉन्च किया जाएगा। वैसे दुआ कीजिए कि ये महामारी जल्द से जल्द रुक जाए ताकि पवन सिंह की और भी फिल्मों की शूटिंग है जिस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया गया है वो पूरी कर सके और आप सभी के बीच बैक टू बैक पवन सिंह के सुपरहिट एल्बम और फिल्म रिलीज हो। तो अगर आप सभी को बॉस मूवी का इंतजार है तो आप सभी को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जल्दी आप सभी के बीच इस मूवी का ट्रेलर और ये मूवी देखने को मिलेगी। आई होप कि आप सभी के मन में जो सवाल था मूवी को लेकर वो कहीं ना कहीं दूर हुआ होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के अपडेट्स को पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।